आज की स्टोरी कुछ यूं है कि अब्दुल्ला भाई फिर से वही शर्ट। ओके ओके चलो। अच्छा तो आज की स्टोरी कुछ यूं है कि चैनल पे दो तरह की वीडियोस अब तक आई हैं, दो ब्लॉग्स हैं और उसके अलावा नौ जो हैं वो फिटनेस की वीडियोस हैं, यानी कि टोटल 11 वीडियोस में से दो ब्लॉग्स हैं ट्रैवल ब्लॉग और उसके अलावा दो फिटनेस की वीडियोस आई हैं। तो जो रिस्पॉन्स मैंने नोट किए चैनल के बिल्कुल स्टार्टिंग में, यानी कि पहली 11 वीडियोस दो एक महीने हुए, तो उसके दौरान मैं ये चीज़ पहले से डिफाइन कर देना चाहता हूँ कि इस चैनल का फ्यूचर क्या है, ताकि यहाँ पे जो आने वाले सब्सक्राइबर्स हैं जो ब्लॉग्स की वजह से आए हैं और कुछ फिटनेस की वजह से आए हैं, तो वो लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे फ्यूचर में चैनल किस तरफ जाएगा। लेकिन उससे पहले एक मिड टर्म एग्जाम है ऑनलाइन, वो देते हैं फटाफट, उसके बाद फिर आके बात करते हैं। तो क्योंकि ओपन बुक एग्जाम है तो एग्जाम का सेटअप कुछ इस तरह से है कि आपको चाहिए एक लैपटॉप, एक स्कूल के ज़माने का क्लिप बोर्ड, एक मार्कर, एक पेन और एक कैलकुलेटर, और हाँ एक पानी की बोतल भी चाहिए क्योंकि कमरे में किसी का आना और किसी का जाना अलाउ नहीं है, और उसके अलावा एक और चीज़ भी चाहिए जो अभी दिखाता हूँ। और इस सब के अलावा आपको चाहिए एक बिल्ली यानी कि अल्फा, जो आपको हेल्प करती है पेपर के दौरान टेंशन रिलीज़ करने में। सो ये एक बहुत मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। ओके कैट देखो कैमरे में। तो यही सेटअप आपको एक दफ़ा फिर दिखाते हैं, लेकिन इस दफ़ा 120 FPS का। फाइनली कंप्लीट हो गया, अब इसको सबमिट करवा। लो भाई अपलोड हो गया, अब इनका क्या करें। अच्छा जी तो एग्जाम हो गया कंप्लीट, अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ, ये चैनल फिटनेस चैनल या फिर ब्लॉगिंग चैनल। पहली बात ये कि ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आया ही क्यों, क्योंकि जब इस चैनल का नाम ही एजे फिट है तो फिर ये सवाल तो ध्यान में आना ही नहीं चाहिए। लेकिन जो लेटेस्ट पिसा वाटरफॉल वाला ब्लॉग था, अगर आपने नहीं देखा तो अभी लिंक्स कार्ड में आप जाके देख सकते हैं, उससे जो मुझे रिस्पॉन्स मिला तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि आपकी सिनेमाटोग्राफी वगैरह और आपकी एडिटिंग का लेवल इतना है कि आपको ये चीज़ परस्यू करनी चाहिए, इससे आपको ज़्यादा लोग अप्रोच करेंगे और आपके जो चैनल की ग्रोथ है वो काफ़ी तेज़ होगी। लेकिन काम हमेशा वो करना चाहिए जिसमें आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट हो। तो फिटनेस इज़ माय लाइफ, यही सोच के चैनल बनाया था कि फिटनेस को ही परस्यू करूँगा और हर बंदे तक फिटनेस की नॉलेज जो ये आम ट्रेनर्स प्रोवाइड नहीं करते, वो अपने यूट्यूब के चैनल पर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है उसके लिए कहते हैं हमारा ये प्लान खरीदें, हमारा वो प्लान खरीदें, हम उनसे पर्सनल ट्रेनिंग ले लें। तो वो इन्फॉर्मेशन आम लोगों तक पहुंचाने के लिए ही ये चैनल मैंने बनाया था। लेकिन अब जब ये बात आ ही गई है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस चैनल को लेके मेरे फ्यूचर गोल्स क्या हैं। सो अब तक की जो फिटनेस वीडियोस थी वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक थी और टू द पॉइंट थी, लेकिन आगे आने वाली फिटनेस वीडियोस में कुछ नया होने वाला है, यानी कि फिटनेस वीडियोस को एंटरटेनिंग बनाना चाहता हूँ मैं, ताकि जो लोग फिटनेस की तरफ नहीं है वो उन लोगों का भी फिटनेस में इंटरेस्ट पैदा हो। मैं फिटनेस को सिर्फ जो लोग फिटनेस में इंटरेस्टेड हैं उन्हीं तक नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि गोल ये है कि जो लोग फिटनेस में इंटरेस्टेड अभी नहीं है उनको भी ऐसा एंटरटेनिंग कंटेंट मिले कि वो उसको देख के फिटनेस को परस्यू करने की तरफ आए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ब्लॉगिंग और फिटनेस आपस में कंबाइन होने वाली है, यानी कि आपको फिटनेस व्लॉग्स देखने को मिलेंगे इस चैनल पर। ऐसी वीडियोस बनाने से फायदा ये हुआ कि आप तक फिटनेस की इंफॉर्मेशन भी पहुंचाई जाएगी, लेकिन ऐसे एंटरटेनिंग वे में कि आपका फिटनेस में इंटरेस्ट भी पैदा हो और वीडियो देखने में भी आपको मजा आए, ताकि आपको लगे कि जो भी टाइम आप इस चैनल पर स्पेंड कर रहे हैं वो बहुत अच्छा स्पेंड हो रहा है और उसके अलावा आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी मिल रही है। सो फ्रॉम नाउ ऑन ये चैनल सिर्फ एक बेसिक फिटनेस चैनल नहीं होगा, बेसिक फिटनेस वीडियोस भी यहाँ पर आएंगे, लेकिन ये एक एंटरटेनिंग फिटनेस चैनल होगा जहाँ पे आपको अमेजिंग और एंटरटेनिंग तरीके से फिटनेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी और आपको मोटिवेट भी किया जाएगा ताकि आप फिटनेस को अपनी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बना लें। सो इसके साथ साथ ट्रैवल ब्लॉग्स मैं भी बनाऊंगा जब भी मुझे मौका मिलेगा, लेकिन मेन जो इस चैनल का गोल है फिटनेस की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना, वो भी एंटरटेनिंग वे में। सो उसके लिए मैं ब्लॉगिंग
और जो हमारी फिटनेस है, इन दोनों को कंबाइन करूंगा। सो आपके पास एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्म का कंटेंट आने वाला है नियर फ्यूचर में। एक जो मेरा प्रोजेक्ट है जो इन दोनों चीज़ों को ऐसे कंबाइन करेगा, वो बहुत जल्द आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। मुझे उम्मीद है कि आपको देख के बहुत ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है और फिटनेस के लिए आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलने वाली है। सो ये जो आज की एक छोटी सी अपडेट वीडियो थी, इसमें मैं यही बताना चाहता था कि बिल्कुल स्टार्ट में आप लोगों को ये इन्फॉर्म करूँ कि इस चैनल का फ्यूचर क्या है। सो एंड में अगर मैं इसको समराइज करूँ तो ऑब्वियसली ट्रैवल व्लॉग्स मैं बिल्कुल बनाऊंगा, क्योंकि मुझे सिनेमाटोग्राफी में और इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और ट्रैवलिंग में मेरा बहुत ज़्यादा शौक है। लेकिन हम फिटनेस को छोड़ने नहीं वाले और हम फिटनेस को ही परस्यू करेंगे, लेकिन ऐसे वे में कि वो आपके लिए इंटरटेनिंग भी बन जाए और उसके अंदर भी आपको ऐसे मज़े के शॉर्ट्स और सीन्स भी देखने को मिले, ताकि आपको मोटिवेशन भी मिले और साथ साथ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन भी आप तक प्रोवाइड की जाए। तो मैं ट्राई करूंगा कि हर हफ्ते में एक दफ़ा या दो दफ़ा आप तक एक ऐसी वीडियो लेके आई जाए जो आपको एक न्यू चीज़ सिखाए एक इंटरटेनिंग वे में, ताकि ना सिर्फ आप उस वीडियो से सीखें बल्कि उस वीडियो को देखने में भी आप उस वीडियो को इंजॉय कर सकें। इसके अलावा मैं यही कहूंगा कि आई एम स्टिल लर्निंग एंड आई होप टू ब्रिंग मच मोर इम्प्रूवमेंट टू दिस चैनल, ताकि आप लोग जिन्होंने सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक किया हुआ है और उसके अलावा जो लोग वीडियोस को वॉच करते हैं, व्यू करते हैं, उनका टाइम जो वो इस चैनल को देते हैं वो किसी भी तरह वैल्यूएबल और एंटरटेनिंग बनाया जा सके। सो इसी के साथ आज की छोटी सी वीडियो एंड होती है। दिस इज एजे फिट एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट। Eyes in the sky, gazing far into the night, I raise my head.